जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है हमेशा की तरह आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट करी थी कि यदि स्किन ऑयली और सेंसिटिव हो तो उसके लिए क्या करें, उसमें कैसे प्रोडक्ट यूज करें, कौन सा फेस पैक लगाएं और किस तरीके से हमारी स्किन नॉर्मल स्किन की तरह सही रहेगी। तो आज मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है या ऑयली होती है, ऑयली स्किन को गर्मी में ज़्यादा दिक्कत होती है, और सेंसिटिव स्किन तो किसी भी मौसम में उसमें कोई भी चीज़ नुकसान कर सकती है। क्योंकि सेंसिटिव होने का मतलब बहुत ही कोमल होना या किसी चीज़ को की एलर्जी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेना, ऐसी स्किन होती है वो। तो जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उनको बहुत सोच समझकर ही कोई चीज़ या कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ कि जिन लोगों की स्किन ऑयली है, जिनकी स्किन ऑयली होती है, सर्दी के दिनों में तो ऑयली स्किन दिक्कत नहीं करती, क्योंकि सर्दी के दिनों में नॉर्मल स्किन वालों को भी हल्की सी ड्राइनेस आती है। जिनकी ड्राई होती है उन्हें तो ड्राइनेस होती होती है, लेकिन जिनकी ऑयली स्किन होती है वो सर्दी के दिनों में नॉर्मल स्किन की तरह रहती है, लेकिन जब मौसम गर्मी का होता है तो बहुत दिक्कत होती है। और ख़ास करके जो धूल मिट्टी और पॉल्यूशन होता है उसका असर भी ऑयली स्किन पर बहुत जल्दी होता है। तो ऑयली स्किन वालों को चाहिए कि डेली वो अपने चेहरे को बेसन से धोएं, या तो आप बेसन से धो लीजिए या चोकर वाले आटे से धो लीजिए। चोकर वाला आटा मतलब कि बिना छना हुआ आटा, उसको आपने छाना नहीं हो, उस आटे को आप सूखा अपने पहले अपने फेस को गीला करिए, उसके बाद में सूखा आटा अपने पूरे फेस के ऊपर चिपका के फिर धीरे धीरे उसकी मसाज कर दीजिए, जैसे आप स्क्रब की करते हैं। तो इस तरीके से जब आप रोज करेंगे तो आपकी स्किन का जो ऑयलीपन है वो हल्का सा कम होगा। उसके अलावा आप बेसन से मुंह धो सकते हैं। सूखा बेसन आधा चम्मच ले लीजिए, दोनों हाथों में पाउडर की तरह मलिए और अपने गीले चेहरे के ऊपर इसको रगड़िए। बस 2 से 2.5 मिनट की मसाज दीजिए, उसके बाद सादे पानी से आप धो लीजिए। तो इससे भी आपकी जो स्किन का ऑयलीपन है वो दूर होगा। उसके अलावा ऑयली स्किन वाले लोग बहुत ज़्यादा क्रीम वगैरह मत लगाएं, कोई भी क्रीम हो बहुत ज़्यादा क्रीम मत लगाएं। और अगर आप क्रीम लगाते ही हैं तो कोई अच्छी कंपनी की बढ़िया सी ब्रांडेड क्रीम लगाएं। उल्टी सीधी क्रीमें किसी को देख करके, किसी एडवर्टाइज में देख करके, इस तरीके से अपने फेस के ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले आप देखिए आपकी स्किन को क्या सूट करता है। उसके अलावा मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि जो लोग रोज़ क्रीम लगाने के आदी हैं उन्हें कौन सी क्रीम लगानी चाहिए। तो इस तरीके से ऑयली स्किन वाली अपनी स्किन को कवर करके यानी कि अच्छा बना के रख सकते हैं। कभी कभी हफ्ते में एलोवेरा लगा दीजिए अपने फेस के ऊपर और उसको धो लीजिए। और कच्चे दूध को भी हफ्ते में 1 या 2 बार कच्चे दूध से अपने फेस को साफ करते रहिए, आपकी ऑयली स्किन धीरे धीरे सही होगी। उसके अलावा अब आते हैं सेंसिटिव स्किन के ऊपर। तो जो हमारी सेंसिटिव स्किन होती है उसके ऊपर किसी भी चीज़ का बहुत जल्दी असर होता है। यदि आपने अपनी सेंसिटिव स्किन के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ लगा दी जिससे जलन महसूस होती हो या जिसमें हल्का सा भी एसिड का हिस्सा रहता हो, भाग रहता हो या असर रहता हो, तो आपकी स्किन में जले जले निशान भी हो सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले जब धूप में निकलते हैं तो उनकी स्किन में लाल या काले या ब्राउन टाइप के चकत्ते से भी पड़ जाते हैं। तो ऐसी स्किन वालों को चाहिए कि सबसे मेन चीज़ तो अपनी स्किन के ऊपर आप रोज़ साबुन मत लगाइए। आप अपनी स्किन को, अपने चेहरे को बेसन या आटे से साफ कर सकते हैं, या फिर हल्का सा आप अपने चेहरे पे नींबू लगाइए। नींबू लगाने से भी कभी कभी क्या, ज़्यादातर सेंसिटिव स्किन वालों को नींबू लगाने से ज़्यादा जलन हो सकती है। तो अगर आपको जलन होती तो आप नींबू बिल्कुल मत लगाइए। और कहा जाता है और होता भी है कि अदरक का रस लगाने से स्किन साफ रहती है और झुर्रियाँ कम होती हैं, लेकिन ध्यान रखें सेंसिटिव स्किन वाले कभी भी अदरक का रस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यदि सेंसिटिव स्किन वाले अदरक का रस लगा लेंगे तो उनकी स्किन एकदम जल जाएगी। आप लगा के देख लीजिए, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं, आपकी स्किन पे एकदम जले जैसे निशान हो जाएंगे, एकदम लाल पड़ जाएगी या
ब्राउन और ब्लैक निशान पड़ जाएंगे। इसलिए कभी भी भूल से भी अपनी स्किन के ऊपर सेंसिटिव स्किन वाले अदरक का रस कभी मत लगाएं। जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो अपनी स्किन के ऊपर खीरे का रस लगाएं, लौकी का रस लगाएं, क्योंकि खीरा और लौकी ठंडा होता है, इससे आपकी स्किन को पोषण मिलेगा। और आप चाहें तो कभी कभी खीरा का पैक भी लगा सकती हैं, खीरा के फेस पैक बने हुए आते हैं, आप उसे लगा सकती हैं। या फिर आप खीरे का रस निकाल लीजिए और उसी में आधा चम्मच बेसन चटनी की तरह पेट एक पेस्ट बना करके उसको अपने फेस पर लगाइए और 10 मिनट के बाद सादे पानी से आप धो लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे तो हमेशा आपकी स्किन स्वस्थ और चमकदार रहेगी और मुस्कुराती रहेगी। जैसे कि आप खुशी में मुस्कुराते हैं, वैसे ही आपकी स्किन जब स्वस्थ होती है तो वो भी मुस्कुराती है और उसकी चमक आपको खुद अपने फेस पे दिखेगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।